तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमआईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको MIUI 14 के न्यू सिस्टम लॉन्चर, न्यू सेटिंग्स, न्यू सिक्योरिटी ऐप, इन ऐप्स का फुल रिव्यू यहां पे देने वाला हूं कि इन ऐप्स में हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं और आप इन सारे चेंजेस को किस तरीके से किसी भी Xiaomi के डिवाइस में मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी रूट। इस वाली वीडियो में ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू। तो फिर फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर में क्या क्या छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं और इसी के साथ यहाँ पे सेटिंग्स का कौन सा न्यू UI रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है और सिक्योरिटी ऐप में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले सिस्टम लॉन्चर की। तो यहाँ पे MIUI 14 भी कह सकते हैं, यहाँ पे न्यू अल्फ़ा लॉन्चर रिलीज़ कर दिया गया है। उसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल चुकी हैं, जैसे कि आप जब अपना ऐप ड्रॉअर ओपन करते थे तो फिर यहाँ पे कई बार ये सारे ऐप्स गायब हो जाते थे और जब भी आप ब्लैंक स्क्रीन पे टैप करते थे तो फिर आपका सिस्टम लॉन्चर यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाता था। तो फिर अब यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है और MIUI 14 में यहाँ पे फाइनली न्यू सिस्टम लॉन्चर भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में। वीडियो का लिंक में मेरा मतलब उस वाली एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर जाइए सिस्टम लॉन्चर को इंस्टॉल कर लेना। और अगर आपके मोबाइल में वो ऐप ड्रॉअर अभी भी क्रैश होता है तो फिर आपको सिंपली थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, आगे जा कर के उस चीज़ को यहाँ पे 100% फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो वाला बग अभी तक किसी भी यूज़र को देखने के लिए नहीं मिला है। तो फिर आप अल्फ़ा लॉन्चर जा कर के मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब बात करें यहाँ पे बैटरी के लेआउट की, कि यहाँ पे बैटरी का कौन सा नया लेआउट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ कि आप उसे किसी भी Xiaomi के डिवाइस में किस तरीके से मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका एक बार मैं आपको नया लेआउट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फिर ये है न्यू बैटरी UI MIUI 14 का बैटरी सेवर। बैटरी आपको टेम्परेचर, चार्ज टाइम, आपको इसमें बूस्ट चार्जिंग स्पीड, ऑप्टिमाइज चार्जिंग, ऑटोमेटिक टास्क, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, इस तरीके से ये सब देखने के लिए मिल जाता है। और इसके ऊपर आपको फुल चार्ज एंड डिस्चार्ज का भी एक मैसेज इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सिंपली जाइए इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो देख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग्स की, कि यहाँ पे सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं MIUI 14 की। तो फिर यहाँ पे न्यू कार लेआउट, इस तरीके से न्यू लेआउट दे दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अबाउट फ़ोन, सिस्टम ऐप अपडेटर, सिक्योरिटी स्टेटस एक कार्ड में बंद हैं और इसके नीचे सिम कार्ड, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्शन एंड शेयरिंग, ये भी यहाँ पे केवल एक ही कार्ड में क्लोज हैं। और इसके नीचे आपको वही सेम लॉक स्क्रीन, डिस्प्ले, साउंड्स एंड वाइब्रेशन न्यू कार्ड्स लेआउट में टोटली क्लोज हैं। तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आपको ये न्यू कार्ड लेआउट MIUI 14 का किस तरीके से लगा, क्योंकि मुझे तो ये वाला न्यू कार्ड लेआउट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑसम इन्होंने यहाँ पे दे दिया है और जो कि बिल्कुल iOS जैसा हमें देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि ये वाला न्यू कार्ड लेआउट हमें Realme और भी यहाँ पे कस्टम रोम्स में भी देखने के लिए
मिल जाता है। तो फिर यही थे पूरे सिस्टम ऐप्स यहाँ पे न्यू एनिमेशंस के साथ, न्यू इम्प्रूवमेंट्स के साथ, कि यहाँ पे इन्होंने न्यू सिस्टम ऐप्स में सिस्टम लॉन्चर, सिक्योरिटी और कुछ सेटिंग्स के ऐप्स रोलिंग आउट करने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन ये जो आपको सेटिंग्स का जो न्यू लेआउट है, इसकी केवल अभी तक यहाँ पे ये लीक ही रिलीज़ की गई है, इसका कोई ऑफिशियली एपीके अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। जब भी रिलीज़ किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो फिर जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी जरूर कर लेना। अब बात करें एक अनाउंसमेंट की, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक अनबॉक्सिंग बहुत ही जल्द आने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना।